हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ बीएससी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इक्वलेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। इक्वलेंस करना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इसके साथ में न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ में। तो उसके लिए मुझे मानना पड़ेगा कि मेरे पास कोई दो बॉडी है, लेट ए एंड बी टू बॉडीज, ठीक है, इफ या फिर लेट इफ इन मान लीजिए इफ एम ए एंड एम बी दियर मासेस, ये क्या हो जाएंगे, उनके मास हो जाएंगे, ठीक है। मेरे पास दो बॉडी है जिनके पास मास कितना है, एक के पास एम ए है और एक के पास एम बी है, तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, एंड वी ए और वी बी क्या है, दियर वेलोसिटी। तो यहां से उनका जो मोमेंटम है आसानी से निकल जाएगा, देन दियर टोटल मोमेंटम, ठीक है, दोनों का मोमेंटम अब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं लीनियर वाले को, पी से, तो ये हो जाएगा मास इंटू पहले वाले की वेलोसिटी प्लस दूसरे वाले का वाली बॉडी का मास इंटू में उसका वेलोसिटी, ठीक है जी। अगर यहां पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, एब्सेंस हो, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो पी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो वही चीज हम करेंगे, इन द सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में पी क्या हो जाएगा, यहां पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के यहीं पे छोड़ देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कॉन्स्टेंट का तो यहां पे जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया जीरो इज इक्वल टू एम ए, वी का होगा डी वी ए बाई डी टी प्लस एम बी डी वी बी बाई डी टी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन, तो यहां पे अब हम देखेंगे कि डी बी ए बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, सिंस डी बी ए बाई डी टी एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी, यानी कि जो ए बॉडी हमने मानी थी उसका एक्सेलरेशन है, और डी वी बी बाई डी टी एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी, ठीक है, जो हमने बी बॉडी मानी थी उसका ये एक्सेलरेशन है। तो अब क्या हो जाएगा यहां से, इसलिए एम ए और ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ पहले वाली बॉडी का प्लस एम बी एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां पे हम दिखाएंगे वेयर एक्सेलरेशन ऑफ ए, ए क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए, एंड ए बी इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी, ठीक है। हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन हमारा होता है न्यूटन के थर्ड लॉ से फोर्स होता है, यानी कि इफ एफ ए बी क्या हो, इज फोर्स या फिर इंटरनल फोर्स, ठीक है, ये इंटरनल फोर्स है हमारा, इंटरनल फोर्स ऑन ए किसके कारण, ड्यू टू बी, ठीक है। इसी प्रकार एफ बी ए इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है, ये एफ बी ए क्या है हमारा,
4 से b पर किसके कारण, a के कारण। तो जो इक्वेशन सेकंड है हमारी अब कैसे लिखी जाएगी, फ्रॉम सेकंड f, ये कौन से वाला फोर्स था मेरा, a पर लगने वाला फोर्स था किसके कारण, b के कारण, प्लस f ba इज इक्वल टू 0। और इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, ba को उधर ले जाइए तो f ba विद माइनस साइन, यही क्या था हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ था, ये क्या था हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ था, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो हमारा ये चीज क्या हो गई, प्रूफ हो गई, इक्विवेलेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हमारा क्या आ गया, न्यूटन का थर्ड लॉ आ गया।